सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। होप सो एकदम अच्छे होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ क्या आपके डिवाइस यहाँ पर 4G+ को सपोर्ट करती है। अगर करती है तो हम इसको किस तरीके से चेकआउट करते कर सकते हैं। सो ये सब जो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरे पास जो डिवाइस है, ये डिवाइस जो 4G+ को यहाँ पर जो है सपोर्ट कर लेती है एंड हमें यहाँ पर 4G+ जो है देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो हमें यहाँ पर 4G+ देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में यहाँ पर स्टेटस बार में देख सकते हो। सो यही मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो क्या आपके डिवाइस यहाँ पर 4G+ को सपोर्ट करती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सिंपली यहाँ पर हम 4G+ चेकआउट करने के लिए यहाँ पर डिवाइस यूज़ करने वाले हैं Realme C3 डिवाइस। मैंने यहाँ पर Realme 3 Pro जो डिवाइस है उस पर भी ट्राई किया था, उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे Realme C3 डिवाइस। मगर उससे पहले गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि जो डिवाइस यहाँ पर 4G+ सपोर्ट करती है उसमें हमें किस तरीके के चेंजेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं या फिर हम किस तरीके से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप कौन सा मैं आपको बता दूंगा। ऐप को ओपन करने के बाद ऐप की सभी परमिशंस वगैरह आपको एक्सेप्ट कर लेनी है एंड ये जो ऐप है सिंपली आपको बताएगा क्या आपकी डिवाइस यहाँ पर 4G+ को सपोर्ट वगैरह करती है। सो यहाँ पर मैंने इस ऐप को ओपन कर लिया एंड ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पे कैसे आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो Jio 4G LTE, उसके सामने ये देखने को मिल रहा है एंड उसके सामने आपको कुछ मल्टीपल्स बैंड्स जो है देखने को मिल रहे हैं। तो LTE ये जो है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि आपकी डिवाइस जो यहाँ पर 4G+ को सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर आपको मल्टीपल बैंड्स देखने को मिल रहे हैं, मल्टीपल बैंड्स के यहाँ पर प्लस हो रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपकी डिवाइस जो है 4G+ को सपोर्ट कर रही है, उसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो 4G+ आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो समटाइम्स आपको यहाँ पर 4G+ देखने को नहीं मिलता है। तो अगर यहाँ पर सिंपली स्ट्रेंथ कम है आपके नेटवर्क की, तो आपको यहाँ पर आपके टावर के अगर यहाँ पर नेटवर्क कम है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर 4G+ देखने को नहीं मिलेगा। तो इस अगर आपको आपके डिवाइस पर चेकआउट करना है आपकी डिवाइस 4G+ को सपोर्ट करती है या नहीं, तो 4-5 पोजिशन पर चेकआउट कीजिए, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि आपके यहाँ पर डिवाइस 4G+ सपोर्ट करती है या नहीं। सो ये तो होगा जिन डिवाइस को यहाँ पर 4G+ सपोर्ट देखने को मिलता है हमें उनमें किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सिंपली हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे हमें Realme C3 जो डिवाइस है उस डिवाइस में 4G+ वगैरह देखने को मिलता है या नहीं। सो उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास है Realme C3 डिवाइस एंड इस डिवाइस को दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 4G+ का आपको आइकन वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिल जाता है एंड यहाँ पर भी आपको कोई भी बैंड्स जो एडिशनल बैंड्स यहाँ पर ऐड नहीं हुए एंड LTE ये भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल जाता है। तो सिंपली यार इस डिवाइस को 4G+ सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पर मैंने Realme 3 Pro जो डिवाइस है उस डिवाइस को चेकआउट किया था, उस डिवाइस में हमें 3G+ देखने को मिल जाता है, मगर जो है कुछ कुछ जगह पे देखने को मिल जाता है जहाँ पर सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी है वहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। सो अगर आपको आपके डिवाइस में चेकआउट करना है कि आपको यहाँ पर 4G+ आपके डिवाइस में अवेलेबल है या नहीं, तो आपको सिंपली इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है एंड 4-5 जगह पर जाके चेकआउट कीजिए क्या आपको यहाँ पर 4G+ आपके डिवाइस में देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कौन सा ऐप आपको यहाँ पर यूज़ करना है, तो ऐप का नाम है दोस्तों नेट मॉन्स्टर। ये जो ऐप है आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाता है, वहाँ से आप सिंपली उसको डाउनलोड कर सकते हो एंड चेकआउट कीजिए एक बार कि आपके डिवाइस को यहाँ पर 4G+ सपोर्ट है या नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।